नमस्ते, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक वीगन हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्यों दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स उपयोग नहीं करता, इसका कारण आपको बताने जा रहा हूँ। पहले कृपया ये समझें, दूसरे जानवरों की तरह गाय अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, एक माँ बंदर अपने बच्चे बंदर के लिए दूध बनाती है, एक माँ ऊंट अपने बच्चे ऊंट के लिए दूध बनाती है, मेरी माँ मेरे लिए दूध बनाती है, उसी प्रकार एक गाय सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, किसी और के लिए नहीं। प्रकृति में सारे मैमल जानवरों के बच्चों के लिए दूध जरूरी है, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। ये बच्चे दांत आ जाने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पीते। इस दुनिया में सिर्फ इंसान बचपन में अपनी माँ का दूध पीने के बाद और दांत बड़े हो जाने के बाद भी दूध पीते रहता है, वह भी अपनी माँ से नहीं लेकिन दूसरे जानवर से चोरी करके पीता है। अन्य महिलाओं की तरह गाय या भैंस गर्भवती होने पर ही या जन्म देने के बाद ही दूध का उत्पादन करती है। कृपया थोड़ा सोचें, हमारे देश में एक डेयरी फार्म में गाय या भैंस कैसे गर्भवती होती है? एक गाय या भैंस को बांध दिया जाता है, उसके पिछवाड़े में एक हाथ डाला जाता है, बाइल वीर्य युक्त एक कैथेटर से उसकी योनी में इंजेक्ट किया जाता है, कृत्रिम रूप से गाय या भैंस को गर्भदान किया जाता है। इसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अगर हमारे देश में किसी महिला के साथ ऐसा ही होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? रेप। लेकिन जब हम यही क्रिया गाय या भैंस के साथ करते हैं तो हम इसे दूध, घी, मक्खन, लस्सी, पनीर, चीज, कुल्फी, आइसक्रीम और चॉकलेट कहते हैं। बछड़े के पैदा होने पर अगर बच्चा पुरुष है तो बच्चे को सीधे कतलखाना भेज दिया जाएगा, क्योंकि एक नर बछड़ा दूध का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए इसके बजाय उसे मार दिया जाता है और मुलायम त्वचा को चमड़े के रूप में बेचा जाता है। इसी चमड़े से आपके जूते, बेल्ट, पर्स और जैकेट बनाए जाते हैं। यदि मादा बच्चे का जन्म होता है तो उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाएगा और उसे अपना दूध पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह अपना दूध पीती है तो आप अपनी सुबह की चाय और शाम की कॉफी नहीं पी पाएंगे। कृपया याद रखिए, हर बार आप एक ग्लास दूध पीते हैं एक बछड़ा भूखा रह जाता है। एक दिन बछड़ा भी बड़ी हो जाती है और वह उसके साथ भी वही प्रक्रिया की जाएगी जो उसके माँ का साथ हुआ था। कई डेयरी फार्मों में ऑक्सीटोसिन नामक एक अवैध इंजेक्शन गायों और भैंसों को दिया जाता है। यह इंजेक्शन कृत्रिम रूप से जानवरों में दूध के उत्पादन को उत्तेजित कर देती है। इसे दिन में दो बार दिया जाता है और गायों और भैंसों को उसके वजह से प्रसव के जैसे दर्द होता है, इसलिए डेयरी किसान अधिक दूध बेचकर बड़ा लाभ प्राप्त कर पाता है। जो लोग दूध पीते हैं ना, वे कई और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी उपयोग करते हैं। इस बीच गायों और भैंसों को नरक की सबसे गहरी काई के समान पीड़ित किया जाता है और इस नरक को डेयरी फार्म कहा जाता है। कृपया सोचें कि उन गायों और भैंसों का कितना शोषण होता है। हम उसका बलात्कार करते हैं, हम उसके बच्चे को उसे छुराते हैं और सहयोग न करने पर लाठियों से मारते हैं। इस मानसिक और शारीरिक यातना के 5 साल बाद उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वह दूध का उत्पादन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में उसको कत्ल खाने बेच दिया जाता है, क्योंकि वो और धन लाभ नहीं दे सकती। इन गायों और भैंसों को उनके वजन के आधार पर बेचा जाता है। यदि गाय का वजन ज्यादा हो तो उसके ज्यादा मूल्य मिलता है, इसलिए ज्यादा धन लाभ पाने के लिए कुछ गायों को गर्भवती करने के बाद कत्ल खाने बेच दिया जाता है। कई बार इन गर्भवती जानवरों को पूरी तरह होश में रहते हुए मार दिया जाता है और उनके गर्भ से बच्चे को चीर दिया जाता है। यह सब क्यों होता है? गाय स्थिति में है क्योंकि हम दूध का सेवन करते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन कृपया इस बात को सुने। भारत दुनिया में दूध का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत दुनिया में बीफ का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि दूध के लिए पैदा की जाने वाली हर गाय अंत में गोमांस के लिए मार दी जाती है। गायों और भैंसों के पीड़ित होने के बाद ही हमें दूध या दही मिलता है। यह सब सीखने के बाद अगर आप अभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं तो कृपया बीफ भी खा लीजिए, क्योंकि आप दूध पीते हो या गोमांस खाते हो,
इससे गाय के लिए जीरो फर्क पड़ता है। कृपया कुछ दया दिखाएं। जानवर हमारी तरह दर्द और पीड़ा महसूस कर सकते हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कृपया मांस, दूध, अंडा, शहद खाना बंद कर दें। कृपया चमड़ा, ऊन और रेशम पहनना बंद करें और आज से वीगन जीते हैं। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।